हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ बनाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोया बरी को कैसे उबाला जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर मिनी सोया बरी ली है। यह आपको मार्केट में इजीली किसी भी कंपनी की मिल जाएगी। ये बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। हमने यहाँ पर एक बाउल सोया बरी ली है। अब हम एक पैन लेंगे। एक बाउल सोया बरी के लिए हम उसमें 3 बाउल पानी डाल देंगे। आपको ध्यान रखना है, अगर आप कप से ले रहे हैं तो आप 1 कप सोया बरी के लिए 3 कप पानी लेंगे। अब हम फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर पैन को रख देंगे। उसमें हम सोया बरी डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अगर आप कोई स्वीट डिश बना रहे हैं तो आप नमक को अवॉइड कर सकते हैं और उसको मिक्स कर देंगे। इसको 3-4 मिनट तक हम इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर उबालेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे बरी फूलकर मोटी होने लगी है। पानी जैसे जैसे गर्म हो रहा है, बरी फूल रही है। हम इसे बीच बीच में चला देंगे जिससे सारी बरी अच्छे से फूलती रहें। 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका पानी निकाल देंगे। गर्म पानी निकालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी और उससे हम बरी को धो लेंगे। इसी तरह से हम इसमें 3-4 बार ठंडा पानी डालकर बरी को अच्छे से धो लेंगे। 3-4 बार बरी को धोने के बाद अब हम इसको हल्के हाथों से दबाकर इसका बाकी पानी भी निकाल देंगे। ये देखिए, हमने सारी बरी का पानी निकाल दिया है। हमारी बरी फूल कर देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब आप इस बरी को जवे में, पुलाव में, चाउमीन में या सब्जी बनाने में, जिसमें चाहें उसमें डालकर बना सकते हैं। यह बरी खाने में भी टेस्टी लगती है और साथ ही हमारे खाने की चीज़ों का भी टेस्ट बढ़ा देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।